रोलिंग। अच्छा, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? व्हाट्सएप पे मैसेज आया देखा आपने या फिर? हमें खुद पता है ना। अच्छा, आपको कैसे खुद पता? मतलब हमारे पास सब कुछ है। टिपिकल क्वेश्चन। क्योंकि वो इंदिरा गांधी शायद इटली की थी। अफवाह है सब। With the Lok Sabha elections underway and the fake news factory in full swing, we at the Quint asked Ahmedabadis. We spoke to the residents of Rangpuri. We spoke to a few people, a few Mumbaikers. We asked the people of Rajasthan. We asked people in Delhi. We are here in Dadri. We are here today in Bangalore. Here in Chennai. In Asansol. To find out whether they actually believe everything that they read on social media or WhatsApp or not. Come on, let's find out. पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, सही या गलत? सही है। नहीं, 50% ही है मैडम। हमने न्यूज में देखते हैं, मैं बहुत न्यूज देखता हूँ, जी टीवी देखता हूँ, रजत शर्मा की न्यूज देखता हूँ, चौधरी साहब की भी देखता हूँ। मतलब कितना कितनी है फिर? 50% हो सकता है, क्योंकि एक एक घर में देखा जाए तो 3-4-5-5 से तो 3 से तो कम हो ही नहीं सकते हैं लगभग एक आदमी के। बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, तो 100% गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 23-24 करोड़ है। ठीक, और उसमें से जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 19% या 20% मुस्लिम है, तो वो तो एकदम गलत हो गया। ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। मुस्लिम का कोई मतलब कोई लिमिटेड ही नहीं है, 4-5-6-7 कोई अलग का लिमिटेड नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चे पर कोई ध्यान ही नहीं देते, फैमिली प्लानिंग नहीं। हाँ, ये गलत जवाब, क्योंकि सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन 19.26% है। अगला प्रश्न, राहुल गांधी का असली नाम है राहुल विंची, आए सही या गलत? आई थिंक ट्रू। ये सही है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो मुस्लिम थे। भी है आपको ये कहां से, आपको ये जानकारी कहां से हुई? व्हाट्सएप से। हाँ? सही या गलत? राइट। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी शायद इटली की थी। इंदिरा गांधी इटली की थी? सोनिया गांधी इटली अच्छा, की थी। सोनिया गांधी इटली की थी, तो सोनिया गांधी इटली की थी, इसलिए राहुल गांधी राहुल विंसी। अच्छा, ये कहाँ पे जाना आपने? मैंने इसे सोशल मीडिया पे देखा होगा। सोशल मीडिया पे देखा होगा कि राहुल गांधी का नाम है राहुल विंसी। विंसी, देखो इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, राहुल गांधी ही होगा वैसे बचपन। पर आपने कभी ये स्टेटमेंट सुनी है? ये सुना है कि वो कहते हैं कि वो मुस्लिम है, लेकिन मुझे तो बचपन से सुना है उसका नाम राहुल गांधी सुना। राहुल गांधी केल्विपट्टा राहुल विंसी तेरिया? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कोई सोशल मीडिया पे या कोई न्यूज़पेपर में ऐसा सुना नहीं, और ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है जिसे हम सही मान सकते हैं। आई हर्ड दिस समथिंग दैट ही इज समथिंग रशियन और समथिंग लाइक दैट, सो आई थिंक इट्स ट्रू और ट्रू आई गेस। गलत जवाब। राहुल गांधी भाई, राहुल गांधी है, कैसे बातें करते हैं भाई, राहुल गांधी है, राहुल गांधी। हा हा हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक होल की तस्वीर मोदी जी के मिशन शक्ति की वजह से ही मुमकिन हो पाई, सही या गलत? मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद वो राइट है। श्योर नहीं है, लेकिन जो भी मोदी ने स्टेप लिया था तो सही लिया था। मे बी इट वॉज डन बाय द यूएस, नो इट वॉज मोदी, यस, हु वॉज डूइंग इट। वाह मोदी जी वाह, बिकॉज ऑल दीज इयर्स वी डिड नॉट फाइंड इट, सो मे बी इट्स द मिशन शक्ति दैट एक्चुअली डिड स्पॉट इट। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। अरे ये गलत है भाई, सरासर गलत है, क्योंकि ब्लैक होल की तस्वीर साइंटिस्ट केटी बोमन की वजह से खींची जा सकी, ना कि मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने देश के सभी गांव में बिजली पहुंचा दी है, सही या गलत? यस, ये सच है। गलत, सारे को नहीं कह सकते, इसलिए गलत। सही है मैम। जी मैम, हमारे को मारिय लाइट ஆனா கொடுத்துருக்காங்க தான், இங்கே கூட கொஞ்சம் இருளோன்னு இருந்துச்சு, லைட்லாம் போட்டிருக்காங்க தான். कुछ लोगों का कहना है सही है। डेफिनेटली नॉट। सही है? नहीं। यस। हां जी, बिल्कुल बढ़िया है। अरे बिल्कुल सही है भाई, मोदी जी ने बत्ती जला दी है, लेकिन 94% गांवों में 2014 तक की बिजली पहुंच गई थी भाई। Terms and conditions. Prime Minister Modi took charge, only 18,452 villages were left unelectrified, most of which were in remote locations. Electricity supply has now reached these villages, it is yet to reach every household. Sonia Gandhi, duniya ki chauthi sabse ameer shakhsiyat hai,
सही या गलत? नहीं, ये गलत है। सही है, अमीर है वैसे। चौथी सबसे अमीर? बिल्कुल फॉल्स। ओके, व्हाई फॉल्स? Because I don't believe so. I think there are more like people who are richer than her. True. जिस family से belong कर रही है तो already वो काफी बड़ी family. वैसे भी बहुत पैसा है उनके पास. हाँ, बहुत पैसा है. सही हो सकता है. सही हो सकता है या सही है? सही हो सकता है. चौथी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए उस सरकारी आंकड़े देखना पड़ेगा. बहुत सारी एजेंसियाँ होती हैं जो समय समय पर मतलब सर्वे करती हैं, तो उनको देखने के बाद ये डिसाइड करना होगा कि मतलब चौथी या पाँचवीं है, वो तो बात की बात है. राइट है, गलत बात? राइट ही है, गलत बात है? मेबी सुना है, इंटरनेट वगैरह पे देखते रहते हैं हम लोग. अच्छा, आपको लगता है कि वो फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है? लगता है. अरे भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है. सोनिया गांधी द्वारा 2019 में जमा किए गए इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार उनके एसेट्स की कुल कीमत है 11.82 करोड़ रुपए, यानी 1.7 मिलियन डॉलर्स. बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर. इंडिया ने 2015 से 2017 के बीच कोई भी लोन नहीं लिया थैंक्स टू पीएम मोदी. सही या गलत? बिल्कुल सही है जी, नहीं लिया. कहाँ से उधार नहीं लिया? जब नोटबंदी हुई थी ना मैडम, थोड़े टाइम ही परेशानी हुई, आज हम सब संतुष्ट है और सब आराम है, बढ़िया कारोबार है वापस. सही सही क्यों लगता है आपको? सही, क्योंकि तब मोदी जी आ गए थे, तो हो नहीं सकता कि किसी ने लोन लिया होगा हमारे देश में. ट्रू. इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये ट्रू है. ट्रू. ये सही नहीं है. इंडिया ने तकरीबन 96,560 मिलियन डॉलर्स का लोन ले लिया है इस पीरियड के दौरान. अब जब फॉरवर्ड आता है, वो आप पढ़ के फिर फॉरवर्ड कर देते हो, आगे बढ़ा देते हो, या फिर डिलीट? फेक मैसेज इसलिए वायरल किए जाते हैं, या तो किसी पार्टी को बदनाम किया जाता है, या तो आरोप लगाने के लिए. और सिला करते नाला धंधा करते ला कटा धंधा ना बात है अफेक्ट करने का. फेक न्यूज़ कभी भी फॉरवर्ड मत करो, बल्कि जो लोग भेजते हैं ऐसे मैसेज मैं उनको अनफॉलो कर देता हूं. जो लगता है हमको तो उसको हम शेयर ही नहीं करते हैं. क्या फायदा, हम परेशान हो उसके बाद दूसरा भी, अगला भी परेशान हो जाए सब देख के.